मेरा है, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं, तो कार्यकर्ता क्या चाहता है ये मुझे मालूम है। कार्यकर्ता चाहता है मान और सम्मान, इसकी इसकी ये रखने की जवाबदारी मेरी, ये आपको मैं वादा करता हूं। तो मैं आपके चरणों में फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मेरा मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूं मैं, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।